जनजन की आवाज जीएन भारत आज राजद कार्यालय पहुंच चुका है, जहां पे एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। क्या कुछ बैठक में डिस्कशन किया गया और क्या आज हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष, आज जो आप लोगों का ये बैठक था और वार्ता था, किस विषय पर था? हमारा पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस ये मनाया जा रहा है झारखंड प्रदेश में, और झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित है। और इसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समाज के सभी विचारधारा, सभी धर्म के मानने वाले लोग को साथ लेकर के और पूरा गांव से लेकर के शहर, मोहल्ले और कस्बे में अंतिम व्यक्ति तक पार्टी के सदस्यता अभियान को हम अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे और संगठन को अपना धारदार बनाएंगे। लालू जी की हालत भी खराब है, तबीयत भी खराब है, आप कैसे पार्टी को मतलब संभालते हुए कैसे देखते हैं ये सुप्रीमो का हालत? लालू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अस्वस्थ हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में वो पार्टी का दिशा मार्ग हम लोगों को देते रहें और उनका समय हमेशा आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, पार्टी को मिलता रहे, ये हम भगवान से दुआ करते हैं। एक बात बताइए, अभी आप लोग गठबंधन में सरकार है लेकिन आप लोगों का जो परसेंटेज है अभी बहुत कम है, इसको बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है? यही बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान के माध्यम से हम जनता से, मैंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक हम जाएंगे और गाँव से लेकर के शहर के हर मोहल्ले और कस्बे तक समाज के वंचित समाज के तबके तक भी हमारा संगठन वहाँ होगा और हम इसमें लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और साथी सब लोग लगे हुए हैं। उनका रिस्पांस कैसा, अब तक कैसा रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान चल रहा है हमारा पार्टी का। ये लालू जी पे कुछ करप्शन के जो चार्जेस लगे, आपको लगता है इसी ये छवि जो है पार्टी के लिए भी थोड़ा नुकसानदायक? ये सब चलते रहता है, ये राजनीतिक है, ये सब चलते रहता है। लालू जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और अपने नीति और सिद्धांत से सभी पार्टी ने समझौता करने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जेल जाने का स्वीकार किया लेकिन सांप्रदायिक ताकत से समझौता करना पसंद नहीं किया। हम विचारधारा वाले पार्टी हैं और राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो देश के किसी पार्टी में नहीं है। जो एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को सिलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे, आपकी गठबंधन उनको ये करेगी, सपोर्ट करेगी? यशवंत सिन्हा एनडीए का है, हमारा पार्टी का जो निर्देश होगा वो हम लोग पालन करेंगे, पार्टी के हिसाब से चलना। तो आपने देखा कि राजद के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हम जन अभियान चलाएंगे और अंतिम इंसान तक, अंतिम छोर तक पहुंचेंगे और हर एक एक इंसान को जोड़ने की कोशिश करेंगे पार्टी को। साथ ही लालू प्रसाद और द्रौपदी मुर्मू के सवाल पर भी उन्होंने खुलकर हमसे चर्चा की, कहा कि मीटिंग होगा और पार्टी जो भी फैसला लेगी उसको हम सर आंखों पर रख के मानेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।